और लोगों को जगह मिल गई वोट डालने की। ना तो लोग बीजेपी से खुश है ना कांग्रेस से खुश है, अपने लोकल प्रत्याशी से ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं। तो लोग समझदार हैं, धनबल वालों के साथ कोई नहीं है, उनको पता है ये आज धन के बल पर हमसे वोट ले जाएंगे, आगे हमारा काम नहीं करेंगे। सोहना ताबड़ू विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल का चुनावी ग्राफ जहां एक तरफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुभाष बंसल ने सोहना से मौजूदा विधायक एवं प्रदेश सरकार में वन पर्यावरण एवं खेल मंत्री से मुलाकात कर बाकी प्रत्याशियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अगर हम पंचायती उम्मीदवार सुभाष बंसल की माने तो खेल मंत्री संजय सिंह ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया है। चुनाव का टाइम है तो माहौल तो गर्म तो होना ही है, जितना नजदीक आएगा उतना गर्म उठता रहेगा रोज चुनाव। बाकी रही बात प्रोग्राम की, प्रोग्राम में जिस गांव में जा रहा हूँ, आज जैसे खरौदा गया, नोनेरा गया, लाई नगड़ा गया, करण की गया, सिरमतला गया, घेंगोला गया, साचोली गया, और यहाँ लोकल शहर में कस्बों में कस्बे अपने कस्बे में कॉलोनियों में दो तीन प्रोग्राम हुए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है कि मतलब कि जो लोकल कैंडिडेट शहर का जो लोग मांग रहे थे ना, और लोगों को जगह मिल गई वोट डालने की। ना तो लोग बीजेपी से खुश है ना कांग्रेस से खुश है, अपने लोकल प्रत्याशी से ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं। तो लोगों को लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और लोगों में उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये हम बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे। बता दें कि सुभाष बंसल अल सुबह से लेकर देर रात तक चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन चुनावी कार्यक्रमों में लोगों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। सुभाष बंसल अपने समर्थकों के साथ गांवों से लेकर कस्बे की गली मोहल्लों तक चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जहां पर लोग अपने चहेते उम्मीदवार का कार्यक्रमों में पहुंचने पर पुष्प मालाएं पहनाकर व पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत कर रहे हैं और जीत का आश्वासन दिला रहे हैं। लोग समझदार हैं, धनबल वालों के साथ कोई नहीं है, उनको पता है ये आज धन के बल पर हमसे वोट ले जाएंगे और आगे हमारा काम नहीं करेंगे, ऐसे होता पीछे रहा है। लोगों ने धन बल पर जो बड़े हैं आज से पहले, उन्होंने लोगों को काम ही नहीं किए, लोगों को बात ही नहीं करते, लोगों के टेलीफोन नहीं उठाते, लोगों ने परख लिया है। तो लोग आज जागरूक हो गए हैं कि अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दें, कम से कम उसके घर रात को 12 बजे भी पहुँच सकते हैं। तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह इस चीज का, धनबल का कुछ नहीं चलेगा आपके। बता दें कि सुभाष बंसल सोहना ताबड़ू विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक पंचायती उम्मीदवार है, जिनका कारवां दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इस चुनावी रथ में सुभाष बंसल अपने समर्थकों के साथ उतरे हुए हैं, जो लोगों की लगन और हौसले को देखते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित भी कर रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विधानसभा वासी 5 अक्टूबर को किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं और विधानसभा से जिताकर चंडीगढ़ विधायक की कुर्सी पर बैठाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।